हमेशा की तरह आज मुलाकात करा रहे हैं आपसे एक ज़बरदस्त फलाही ऑर्गेनाइजेशन से जो 1990 से खिदमत इंसानियत में मसरूफ़ है। हम बात कर रहे हैं जी अलखिदमत फाउंडेशन की, अलखिदमत कराची की, और हमारे साथ आज मौजूद हैं द डायरेक्टर ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज एंड क्लीन वाटर काजी सैयद सदरुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कारफरमा है, अलखिदमत से सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन आप क्योंकि बिलखसूस क्लीन वाटर प्रोजेक्ट देख रहे हैं और कराची आइट्स के लिए बहुत बड़ा मसला है, मुझे बताइए इस मद में, इस हवाले से अलखिदमत क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, अलखिदमत मुख्तलिफ सेगमेंट्स में काम करती है जी। और हमने खौसो खजा की तरह 7 उसके डिफरेंट शोबे बनाए हुए हैं। उसमें से एक शोबा जो है वो क्लीन वाटर का भी है, कम्युनिटी सर्विस का भी है, एजुकेशन का भी है, माइक्रो फाइनेंस का भी है। तो इस तरह 7 हमारे पास डिफरेंट शोबे हैं, जिसमें से क्लीन वाटर। क्लीन वाटर में हम गो के हमने ये काम थरपारकर में शुरू किया था, लेकिन होते होते कराची ख़ुद इस वक्त जो है वो पानी के मसाइल का इतना बड़ा शिकार है। यहाँ पे शहरियों को पानी नहीं मिल रहा है, और पानी अगर मिल रहा है तो साफ़ पानी नहीं मिल रहा है। तो हमने इस शोबे में काम किया और कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में इस वक्त हमने 54 फिल्ट्रेशन प्लांट कराची में लगाए हुए हैं, सिर्फ जहाँ से लोगों को RO के ज़रिए या UF अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ज़रिए हम उसको साफ़ पानी लोगों को फराहम कर रहे हैं। और ये डिफरेंट लोकेशंस पे, इसमें हमें जापान गवर्नमेंट ने सबसे पहले हमारे साथ ताउन किया था, उन्होंने हमें फिल्ट्रेशन प्लांट दिए थे, हमने आजमाइशी तौर पे शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 54 की स्ट्रेंथ पर पहुंच चुके हैं। और डिफरेंट इलाकों में बोरिंग के ज़रिए, कुएँ के ज़रिए वो हम पानी फराहम करने की लोगों को कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही, आपको बताते चलें कि क्योंकि 22 मार्च को पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाटर डे होता है, उससे मुंसलिक कुछ इवेंट्स में मेरा भी जाना हुआ, और वहाँ हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 22 मिलियन यानी 2,20,00,000 लोग ऐसे हैं जिनको पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। इसके अलावा 90% पाकिस्तानी कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से कंटामिनेटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि ये RO प्लांट्स लग रहे हैं, सिर्फ कराची शहर की अगर मैं ज़रूरत की बात करूं सदरुद्दीन साहब, कितने ऐसे प्लांट्स और फिल्ट्रेशन यूनिट्स की हमें ज़रूरत है? मैं समझता हूं, देखें सबसे पहले तो पानी ही अवेलेबल नहीं है यहां पे, और RO ज़ाहिर है ज़मीन से पानी हासिल किया जाता है, और अब वाटर टेबल जो है वो बहुत नीचे जा चुका है। पहले अगर 200 फीट पे बोरिंग हो जाती थी और RO का प्रोसेस होता था, तो अब वो 400 फीट और 600 फीट पे चला गया, तो यकीनन उसके नतीजे में कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो और भी बहुत सारे इदारों ने इसको, आप समझ लें कि फाइनेंशियली इसको एज ए बिज़नेस भी चला रहे हैं लोग, लेकिन हमारा इदारा चूँकि एक रफाही इदारा है, तो हम इसको एज ए बिज़नेस के तौर पर नहीं चला रहे होते, लोगों को रिलीफ के लिए ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन कराची में कम वेश इस वक्त साफ़ पानी पहुंचाने के लिए मैं समझता हूं कि कम से कम 3 से 4 हज़ार फिल्ट्रेशन प्लांट और लगेंगे मुख्तलिफ इलाकों में, तो जाके लोगों को शायद ये सहूलत। लेकिन उसके नतीजे में क्या होगा, वाटर टेबल और नीचे आ जाएगा, इसके अलग नुकसान आते हैं। सर, एक सवाल है जो हम अक्सर पूछते हैं सियासतदानों से भी, और क्योंकि एज अ फलाही तंजीम आप काम कर रहे हैं, आपकी बेहतर निगाह होगी इसके ऊपर। देखिए, वाटर बोर्ड ने तो एक तरह से सस्ते टैंकर भी लोगों को दिए कि जहाँ मुश्किल हो आप ये कह सकते हैं, और आपको बग़ैर कॉस्ट के भी और बहुत सस्ते टैंकर्स भी मिल जाएंगे। सवाल ये है कि इन टैंकर्स को पानी कहाँ से मिल रहा है, जबकि आप कह रहे हैं कि RO's और वाटर टेबल भी नीचे है, यानी कराची शहर में वैसे पानी नहीं आ रहा, लेकिन टैंकर माफिया अपनी जगह है। देखिए, टैंकर माफिया तो ये एक बिल्कुल खुली किताब की तरह है कि ये भी उन्हीं लाइन से पानी ले रहे हैं जो वाटर बोर्ड की लाइन है, ये कहीं और से वाटर जनरेट नहीं कर रहे हैं, कोई ज़ेर ज़मीन पानी ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्थ अहमदाबाद में अगर आप जाएँ तो सकी हसन पे एक बहुत बड़ा वाटर हाइड्रेंट बना हुआ है, जिसको वाटर बोर्ड मैनेज कर रहा होता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए। वो जिस लाइन से पानी ले रहा होता है, वही लाइन पे उन्होंने बीच में अपने हाइड्रेंट लगा लिए हैं, और टैंकर्स में पानी वहाँ से फिल होता है, और वही लाइन फिर आगे लोगों को रिहायशी इलाकों तक जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से लाइन लेकर आ रहे हैं, वही लाइन जो रिहायशियों तक जानी है, वही लाइन जो घरों तक जाना है, वो पानी बीच में से इंटरसेप्ट करते हैं, और इंटरसेप्ट करके वो टैंकर्स में भरते हैं, और टैंकर जरिए वो कमर्शियल अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, जिस बेहंगम अंदाज में हमारा शहर फैलता चला जा रहा है, नए इलाके जो आबाद हो रहे हैं, बड़ी आबादी से लोग वहाँ पर वाटर लाइन्स मौजूद ही नहीं हैं, तो उनको कैसे परमिशन मिल जाती है वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने की, मज़ीद लोगों को वहाँ आके रिहायशी बनने की, जब वहाँ पर बेसिक सहूलतें पानी बिजली गैस में असर नहीं है? देखिए, जब हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं तो यकीनन पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है सबसे पहले,
जब तक वहाँ सीवरेज की लाइन पहले नहीं बिछाई जाएगी, जब तक वहाँ पानी की लाइन पहले नहीं बिछाई जाएगी, उस आबादी, अच्छा ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सेंसेस में। जब आपकी पॉपुलेशन को कम गिना जाएगा, आपकी पॉपुलेशन एक्चुअल 3 करोड़ है लेकिन अगर आपको 1.60 करोड़ गिना जाएगा तो रिसोर्सेज फिर उसी पॉपुलेशन पे आएंगे। तो रिसोर्सेज जो है जाहिर है वो पॉपुलेशन पे ही डिपेंड करते हैं। चलें कि अलखिदमत जैसी फलाही ऑर्गेनाइजेशंस उन लोगों का मदावा करने की कोशिश कर रही हैं जो सबसे बॉटम ऑफ द रंग पे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते इन टैंकर्स को। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए तड़पते हैं और वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगती हैं। तो प्लीज़ आगे बढ़िए, अलखिदमत की मदद कीजिए। सदरुद्दीन साहब, कोई आखिरी मैसेज या अपील आप लोगों से करना चाहें? जी, मैं आखिरी बात, असल में आज जो है वो वर्ल्ड ऑर्फन डे मनाया जा रहा है। आज 15 रमज़ान है और 15 रमज़ान को OIC के तहत पूरी दुनिया में यतीम बच्चों का ये दिन मनाया जाता है और आज वही दिन मनाया जा रहा है। और अलखिदमत इस जो यतीम बच्चे हैं जिनको हमने बाहिम्मत बच्चों का नाम दिया हुआ है, उनका आज हम दिन मना रहे हैं। और हमारे पास अलखिदमत के पास इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 22,000 ऐसे बच्चे हैं जिसको अलखिदमत अपने प्लेटफॉर्म से सपोर्ट करती है, उनकी एजुकेशन का इंतज़ाम करती है, उनके रहने का इंतज़ाम करती है। कराची में हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑर्फनेज होम बना हुआ है, वहाँ बच्चे रहते हैं। और इस ईद के मौके पर हम हर साल ये करते हैं कि इन बच्चों को ईद की शॉपिंग कराते हैं और इन बच्चों को हमने कूपन्स दिए हुए होते हैं 5,000 के, वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं और उस मॉल में जाके फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ वो बच्चे जो हैं वो शॉपिंग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम है जो सुनने वाले देखने वाले हैं वो आपके तवस्सुत से ऑर्फनेज बच्चों की सपोर्ट के लिए अलखिदमत के साथ ताउन करें। अल्लाह ताला आपको इस काम की जजाए खैर दे। सदरुद्दीन साहब, ये बहुत बेहतरीन बात है और एक माशरे ने ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों को जिनकी कफ़ील मौजूद नहीं है, जिनके वालदैन का साया नहीं, उनकी कफालत करनी है, उनकी तरबियत करनी है, जितनी अपनाइत और मोहब्बत हम इनको देंगे माशरे का एक फ़ाल शहरी हम उनको बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इन बच्चों की ना सिर्फ ईदी बल्कि उनकी रोज़ा कुशाई, उनके हर अहम मामले में हम चाहेंगे कि ज़रूर लोग आगे बढ़कर मदद करें। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू कम फॉरवर्ड। अलखिदमत की तमाम तर डिटेल्स आपके सामने हैं।